स्वागत है, मैं हूँ शाबेज हुसैन जैदी। आज हम कस्बा लावड़ में पहुंच रहे हैं और हम बात करेंगे यहाँ के निवासियों से किस तरह से वो कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और कस्बा में हम बात करेंगे लोगों से, वहाँ उनके जानेंगे विचार। इसी के लिए आप इसी बीच फेस टू न्यूज को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको ताज़ा जानकारी मिलती रहे और हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा, जिस तरह से इस वक्त कोरोना का एक खौफ सा है, तो उसको लेकर जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, उनके बारे में आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो हम ये है कि सोशल डिस्टेंस, दूसरा ये है कि घर में से बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे हैं। और थोड़ा सा इफेक्ट जो है इसका भी है, 5G की जो स्पीड हो रही है, 5G टेस्टिंग, उसका भी रिएक्शन है। और मेन तो यही है, खान पीने का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रख पा रहे हैं और ठंडी चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, अपना घर पे ही है। खासकर तो यही है बस, बाकी और क्या कहाँ हो रहा है ये सब चल ही रहा है। ठीक है सर, तो में जो जागरूकता है उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना के बारे में लोगों की जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है और इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। हम लावड़ में मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ के एक निवासी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम मेरा समीउद्दीन है। जिस तरह से कोरोना की दूसरी वेव आई है, काफ़ी लोगों में खौफ वगैरह का माहौल है, तो आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? लोग परेशान हैं हर तरीके से, और क्या है, सरकार का कोई वो नहीं है सुविधा किसी तरीके की भी, नाम मात्र का मामला है सारा, ये चल रहा है और क्या है। किस तरह से आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग पहले से अच्छी पालन हो रही है? वैसे लोग पालन कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो पहले गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही थी वो फैसिलिटी अब नहीं है। कहीं मान लो कोरोना का पेशेंट पहले मिल जाता था, एकदम टीमें आती थी, जांच होती थी। अभी हमारे डॉक्टर साहब की डेथ हो गई है लावड़ के अंदर, डॉक्टर इकबाल की, कोई टीम नहीं आई है बाद में, अभी तक कोई पूछ नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इस बार जो मेडिकल फैसिलिटी सरकार की, वो उसमें फेल है, कम्प्लीटली फेल है। मेडिकल फैसिलिटी में गवर्नमेंट कम्प्लीटली फेल है आज की डेट में। पब्लिक के सारे छोड़ रखा है, भगवान के सारे, कोई वो नहीं है। तो सबसे बड़ी अब इस बार जो सिस्टम फेलियर की बात सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं गांवों तक भी ये बात पहुंच गई है और कस्बों तक के यहाँ भी कोई पूरी तरह से लापरवाही दिखाई दी। गांवों में पहुंच गई है, उसमें भी गवर्नमेंट की वो है, जो उसका मेन वो काउंस चुनाव है। चुनाव में भीड़ भाड़ रही है, लोग एक दूसरे से मिले हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, संक्रमण फैल गया। दूसरी तरफ कुंभ में भी काफ़ी भारी मात्रा में लोग रहे हैं, और वहाँ से संक्रमण फैला है, बाद में कुंभ बंद कर दिया गया, संक्रमण वहाँ से फैला है, सब जगह से फैला है। तो ये कहना भी सरकार की बहुत बड़ी, हाँ, गवर्नमेंट का फेल्योर है सीधा। अब एक बात बताइए, एक आदमी ऑक्सीजन से मर रहा है तो वो क्या बीमारी से मर रहा है? एक आदमी की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रही है, तो क्या उसे दवाई नहीं मिली है? या कोरोना ने मार दिया उसे, उसे तो ऑक्सीजन नहीं मिली है। कहीं ना कहीं बचाया जा सकता, हाँ बचाया जा सकता था, अगर मौके पर ऑक्सीजन होती हमारे पास, हम जो मोस्ट प्रोबेबल के अंदर जो मोस्टली डेथ हो रही है, कहाँ से हो रही है? कोरोना से हो रही है, ऑक्सीजन की कमी से। अब ऑक्सीजन तो हमारा अपना मैटर है, गवर्नमेंट का मैटर है, इसका कोरोना का मैटर थोड़ी है। ये सही बात है, सबसे बड़ा फेलियर ये देखने में आ रहा है कि बड़ी तादाद में लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। अभी एक बहुत बड़े खिलाड़ी ने अपने उस पर फेसबुक उस पर लिखा है, यूट्यूबर ने, कि मैं मरने जा रहा हूँ और मैं दोबारा पैदा हूँगा, और अगर मुझे कोई अच्छी फैसिलिटी मिल जाती तो मैं बच जाता। सही कह रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये बात देखने में आ रही है। सही सरकारी जाने भयंकर रूप लेगा, किसको मालूम है? हमारी तैयारी क्या है आने वाले समय के लिए, हमारी तैयारी क्या है, किस प्रकार की तैयारी है, न जाने क्या भयंकर रूप लेगा। इसलिए तो यह बस आपस में सबसे ज़रूरी सोशल डिस्टेंस बनाएं, सब लोग मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोते रहें, ठीक है ये? ओके, आप पूरा रिसर्च कर लो, शहर के अंदर दिखा तो रहे हैं पोर्टल पे कि बेड है ही नहीं भाई, बेड है ही नहीं है,
सब भगवान भरोसे हो रहा है काम, पूरा सिस्टम भगवान भरोसे चल रहा है भैया।